तो चलिए और अब बात करते हैं देश में बैठे जयचंदू की, जो जी हाँ जयचंद जो उसी थाली में खाते हैं और उसी में छेद करते हैं। हम बात कर रहे हैं आए दिन सामने आ रहे पाकिस्तानी दलालों की। अब राजस्थान भी इससे अछूता नहीं रहा है, यहाँ भी कई संदिग्ध पकड़े जा रहे हैं जिनसे पूछताछ का दौर जारी है। नापाक निशाने पर राजस्थान, आपके शहर में घूम रहे शैतान, बॉर्डर पर सब कुछ ठीक नहीं, मरुधरा में कितने जयचंद। भारत पाकिस्तान के बीच बढ़ रहे तनाव को देखते हुए सरहदी जिले जैसलमेर में पुलिस को अलर्ट कर दिया गया है। संवेदनशील इलाकों में सुरक्षा विशेष रूप से बढ़ा दी गई है, वहीं अन्य इलाकों में भी सुरक्षा कड़ी कर दी गई है। बता दें कि सरहदी जिले में रोजाना किसी न किसी संदिग्ध को दबोचा जा रहा है, वहीं पुलिस को जो भी संदेहपद संदिग्ध दिखता है पुलिस उस पर लगातार कार्रवाई कर रही है। बात 27 फरवरी से करते हैं, जब नाचना में सुरक्षा एजेंसियों ने एक संदिग्ध युवक को पकड़ा था। वहीं उसके एक दिन बाद जैसलमेर के दो अलग थाना क्षेत्रों में पुलिस ने दो संदिग्धों को गिरफ्तार किया है। वहीं रविवार को आमजन द्वारा एक संदिग्ध की कोतवाली पुलिस को सूचना दी गई। ग्रामीण बस स्टैंड के पास हनुमान चौराहा से संदिग्धों को पकड़कर कोतवाली लाया गया, जिससे संयुक्त खुफिया एजेंसियों द्वारा उनसे पूछताछ की जा रही है। वहीं आज भी सीमावर्ती इलाके से सीमा सुरक्षा बल के पिता पुत्र सहित तीन संदिग्धों को हिरासत में लिया गया है। वहीं संदिग्धों से पूछताछ के लिए मोहनगढ़ थाना पुलिस के हवाले किया गया है। ऐसे में रोजाना संदिग्धों के पकड़ने पर एक सवाल जो जहन में बार बार आता है कि आखिर इन दिनों इतने संदिग्ध कैसे पकड़ में आ रहे हैं। वहीं भारत पाक अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर तनाव के चलते जिले के सीमावर्ती व अति संवेदनशील क्षेत्र के आसपास पागलों जैसी वेशभूषा में घूमते नजर आ रहे हैं। फिर भी जैसलमेर शहर में इन संदिग्ध लोगों की संख्या में हुए अचानक इजाफे से सुरक्षा व खुफिया एजेंसियां सजग नहीं है। सूत्रों ने बताया कि ये संदिग्ध लोगों का मुख्य अड्डा जिला मुख्यालय पर स्थित अति महत्वपूर्ण सामरिक ठिकानों के आसपास बना रहता है। कुछ दिन पहले तक सीमावर्ती कुछ गांवों में पाकिस्तान मोबाइल नेटवर्क के सिग्नल आते थे, लेकिन पिछले तीन दिनों से ये सिग्नल अब नहीं आ रहे हैं। इन सिग्नलों के घुसपैठियों की ओर से उपयोग किए जाने की आशंका रहती है, जिसे ट्रेस किया जाना मुश्किल होता है। सूर्यवीर सिंह तंवर, फर्स्ट इंडिया न्यूज, जैसलमेर।